पता नहीं क्यों, लेकिन बारिश का मौसम आती है ना, पकौड़ी की याद खुद ब खुद आ जाती है। देखो मौसम तो बाहर बन गया बारिश का, अब आएगी कि नहीं पता नहीं, पर हम पकौड़े जरूर बनाएंगे। वैसे आपको कौन सा पकौड़ा सबसे ज्यादा पसंद है, प्याज, आलू या फिर कोई और? तो देखो सबसे पहले तो मैंने 4 से 5 प्याज काट लिया है, जिसमें डाल दिया हरी मिर्च, धनिया, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया मैंने। और अब डाल दे रहा हूँ पकौड़े का सबसे ज़रूरी चीज़, बेसन और चावल का आटा। चावल का आटा मैंने इसलिए डाल दिया ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी बन जाए। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे मिक्स कर लेंगे और तब तक मिक्स करेंगे जब तक पकौड़े का मिक्सचर हाथों से ना चिपकने लग जाए। फिर थोड़ा थोड़ा निकाल कर इसे गर्मा गर्म तेल में डाल दे रहा हूँ। फिर इसे पलट कर दोनों साइड से अच्छी तरह से पका ले रहा हूँ। पकौड़ों को अच्छी तरह से पका कर इसे तीखे तीखे हरी चटनी के साथ सर्व कर लेंगे।